गुड इवनिंग सारे विद्यार्थियों, नमस्कार। सारे बच्चे जल्दी से ऑनलाइन आ जाएं। आज हम बीएचयू बायोलॉजी के पेपर 2014 बीएचयू बीएससी के बिल्कुल फुल डिस्कशन के साथ एक एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपको एक बात और बता दें कि हमारे यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे मैथ, फिजिक्स, जीएस, एग्रीकल्चर, बीएससी, एजी के लिए सारे ऑनलाइन कोर्सेज कराए जा रहे हैं आपको, सारे के सारे एक एक क्वेश्चन डिस्कशन के साथ। तो आप लोग सारे वीडियो अगर क्लिक करेंगे, सारे के सारे वीडियो तो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ उसके सारे डिस्कशन भी मिल जाएंगे। और अगर हमारा अगला जो कोर्स होगा ऑनलाइन कोर्स, अगर आप उसको देखना चाहें या उस पर सर्च करना चाहें तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग नए सेगमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं, बीएचयू बीएससी बायोलॉजी के पेपर 2014 के, और उसके एक एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और देखेंगे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेकर के बैठिए, जो जो भी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताता चलूंगा आप उसको नोट करते चलिएगा, और बिल्कुल विधिवत उसी के आसपास से सारे क्वेश्चन आएंगे बच्चों, बिल्कुल कहीं से बाहर से आने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एनसीईआरटी के साथ साथ बिल्कुल एमपी कौशिक, रमेश गुप्ता दोनों की चीज़ें बिल्कुल कवर करके चल रहे हैं। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल आप लोग फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए बच्चों, ताकि सारे बच्चे, बहुत ज़्यादा से बच्चे देख पाएँ हमारे इस वीडियो को, ठीक है। तो आइए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं लगातार। आज हम पढ़ेंगे बीएचयू 2014 के पेपर के बारे में। यहाँ पे बच्चों जैसा कि पहला जो पेपर है वो बॉटनी का है, और बॉटनी के पेपर में पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है फंजाई से। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है बच्चों, लिखा है द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड। आप यहाँ पे देखेंगे द फंगस कॉमनली नोन एज ब्रेड मोल्ड, और यहाँ पे अगर हिंदी की बात करें क्वेश्चन लिखा है सामान्यतः ब्रेड मोल्ड नाम से जानी जाने वाली कवक है। तो बिल्कुल अगर आंसर की बात करें यहाँ पे बिल्कुल एक झटके में आंसर लगा दें हम लोग, राइजोपस। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, राइजोपस। अगर राइजोपस के बारे में बात करें तो इसी राइजोपस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, ब्रेड मोल्ड। क्या बोलेंगे, ब्रेड मोल्ड। लेकिन यहां से दो तीन क्वेश्चन और बन सकता है, क्या बन सकता है, ये जो लिखा है पेनिसिलियम, यहाँ पे बच्चों देखो ब्रेड मोल्ड लिखा है, ब्रेड मोल्ड, लेकिन यहाँ पे लिखा है पेनिसिलियम, तो पेनिसिलियम को बोलते हैं ब्लू मोल्ड। क्या बोलेंगे बच्चों, ब्लू मोल्ड। ये भी थोड़ा सा अगला क्वेश्चन बन सकता है 2020 के लिए, कि यहाँ पे ब्रेड मोल्ड तो हम लोग राइजोपस को बोल रहे हैं, लेकिन ब्लू मोल्ड किसको बोलेंगे, तो पेनिसिलियम को। अगर यहाँ पे बात करें हम न्यूरोस्पोरा को, तो न्यूरोस्पोरा को हम लोग एक नाम से जानते हैं, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ये क्वेश्चन बच्चों 2013 में भी आ चुका है, 2014 में भी आया, हम अगला जो पेपर डिस्कस करेंगे 2013 को उसमें भी बताएंगे। यहां इसका आंसर हो जाएगा न्यूरोस्पोरा को बोलेंगे ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम, पेनिसिलियम को बोलेंगे ब्लू मोल्ड, और राइजोपस को बोलेंगे ब्रेड मोल्ड। यहां से तीन चार क्वेश्चन आपके बन के आ गए, एमपी कौशिक से लिया गया ये क्वेश्चन है, आप लोग अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो चीजें समझ में आएंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, तो आंसर क्लियर हो गया राइजोपस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखा द आइसोगैमस मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन। अगर आपको पता है तो मैंने एलगी में बहुत ही चिल्ला के क्लास में इसको बताया था कि जो एलगी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीन टाइप का होता है, आइसोगैमस, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और उगैमस। आपको पता है कि क्लास बिल्कुल विधिवत बताया गया है ग्रीन एलगी में, ठीक है। यहाँ पे लिखा कि आइसोगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें पाया जाता है, लिखा समयुग्मक अवस्था में लिंगी प्रजनन किसमें पाया जाता है। समयुग्मक मतलब क्या होता है बच्चों, जिसका मेल स्पर्म और फीमेल हुआ दोनों क्या हो, बिल्कुल बराबर हो, मतलब उसके साइज में शेप में कोई भी चेंज ना हो। तो आइसो का मतलब क्या होता है, बराबर। गैमस का मतलब क्या होता है, गैमीट। अब वो गैमीट कुछ भी हो सकता है, मेल का भी हो सकता है और फीमेल का भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से अगर हम आंसर देखेंगे, ग्रीन एलगी किसमें होगा बच्चों, ग्रीन एलगी। अब ऑप्शन अगर आप चारों देखें यहाँ पे, तो आप लिखा है फाइटोप्थेरा, पॉलीसाइफोनिया, रिक्सिया और स्पायरोगायरा। तो आपको पता है स्पायरोगायरा इज ए ग्रीन एलगी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रीन एलगी। तो आंसर इसका क्या हो गया बच्चों, ग्रीन एलगी। आइसोगैमस किसमें हो गया, स्पायरोगायरा। या अगर यहाँ पे स्पायरोगायरा ना देता तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास भी दे सकता है, तो अगली बार जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ पे क्लेमाइडो स्पायरोगायरा ना देकर के क्लेमाइडोमोनास दे देगा। तो ऑप्शन बिल्कुल सेम रहेगा बट आंसर चेंज हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब सर्व्स एज ए सुटेबल बायो फर्टिलाइजर इन द वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव खाद पानी भरे धान के खेत में काम आता है। ठीक है, अब इसका आंसर आप देखें जरा, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है अवलोसिरा, दूसरा दिया है एल्बिगो, तीसरा दिया है इकोलाई और चौथा दिया है यूलोथिक्स। तो आप अगर चारों में से देखें तो चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन आपको क्लियर होगा, बाकी ये वाला तो बिल्कुल फंजाई है, ये वाला एल्गी है बट हमारे काम का नहीं है, ये वाला एक बैक्टीरिया ये हमारे काम का नहीं है, और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो क्या है, अवलोसिरा। यही एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, बायो फर्टिलाइजर होता है जो धान की खेत में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये भी आंसर गलत हो गया, एक ही ये भी आंसर गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आपको क्या जानना है केवल बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर का आंसर क्या हो गया बच्चों, अवलोसिरा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कास्ट। यहां पे लिखा है कि अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था और यहां 2014 में पहली बार आया, उसके बाद 2019 पूछा गया था। ठीक है, यहां पे लिखा है अर्ली, अर्ली का बस एक ही एग्जांपल है, मैंने बताया था ई से याद करेंगे अर्ली, और ई के बाद आता है ए अल्टरनेरिया। तो ऑप्शन अगर आप देखेंगे फ्यूजेरियम, एस्टिलेगो, अल्टरनेरिया, एल्बिगो, तो आंसर इसका बच्चों हो जाएगा अल्टरनेरिया। ये क्लियर कट याद करिएगा, आ से अर्ली, अर्ली अल्टरनेरिया, ऐसे करके याद करेंगे। ठीक है, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है मीथेन इज ए बायोजेनिक गैस प्रोड्यूस्ड बाय ए मेंबर ऑफ। अब यहां पे लिखा है कि मीथेन जो गैस होती है उसको प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है। लिखा है मीथेन एक जीव जनित गैस किस एक सदस्य द्वारा उत्पादित होती है। तो बच्चों आप ये जान लें कि जो भी मीथेन होती है ये कैसी होती है, एनारोबिक होती है, और यहां पे बैक्टीरिया केवल दो ही दिया है, या तो यू बैक्टीरिया दिया है या तो आर्की बैक्टीरिया दिया है। तो आप बिल्कुल क्लियर जान लें, यहां से दो क्वेश्चन हमेशा आते हैं, हमेशा आते रहेंगे। जो यू बैक्टीरिया होगा ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करता है, और जो आर्की बैक्टीरिया होता है ये हमेशा ऑक्सीजन की अब्सेंस में काम करता है। यहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी यू बैक्टीरिया में, और आर्की बैक्टीरिया में ऑक्सीजन अब्सेंट होगी। तो आपको पता है कि जो मीथेन होगा ये कैसा होगा, एनऑक्सीजेनिक। एनऑक्सीजेनिक का मतलब क्या होगा बच्चों, ऑक्सीजन क्या होगी, अब्सेंट। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आर्की बैक्टीरिया। तो यहां पे मीथेन जो होगा वो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करता है, एनारोबिक कंडीशन का मतलब ऑक्सीजन अब्सेंट होती है, ऑक्सीजन अब्सेंट बच्चों किसमें होगी, आर्की बैक्टीरिया में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज वाटर सॉल्युबल। यहां पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, जो पानी में घुलनशील होता है, तो आपको पता है प्लांट के अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर आप कभी हमारी क्लास किए हैं बच्चों तो आपको पता है प्लांट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, वैक्यूल्स। और आपको पता है इस वैक्यूल्स में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, वाटर। क्या होता है बच्चों, वाटर। और इस वाटर में एक पिगमेंट होता है, उसका नाम होता है एंथोसायनिन, सॉरी फाइकोसायनिन। ये जो फाइकोसायनिन होता है ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, और बाकी सारे ऑप्शन आप देखेंगे तो कोई भी सॉल्युबल नहीं होता, क्लोरोफिल सॉल्युबल नहीं है, कैरोटीनॉइड सॉल्युबल नहीं है, जैंथोफिल सॉल्युबल नहीं है, केवल एक होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है, कौन सा बच्चों है, फाइकोसायनिन। तो इसका आंसर फोर्थ हो गया, चौथा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लिखा है बच्चों अगला क्वेश्चन, लिग्निन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट इन द सेल वॉल। अब आपको पता है कि प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है, और ये जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है बच्चों, सेलुलोज की। अब पूछा जा रहा है लिग्निन अविशिष्ट घटक किस कोशिका के भित्ति में पाया जाता है। ये तो पता हो गया कि प्लांट में सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन अब जो प्लांट में सेल होती है आपको पता है दो होती है, जाइलम और एक होती है फ्लोएम। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो लिग्निन होता है ये किस में पाया जाएगा। तो बच्चों याद रखना हमेशा किस में पाया जाएगा, वो जाइलम में। और आपको पता है इसी जाइलम हम लोग क्या बोलते हैं लेटर स्टेज में, वुड, या इसे बोलते हैं लकड़ी। यही जाइलम बाद में चेंज हो जाता है लकड़ी के रूप में, ठीक है, वुड के रूप में, और वो उसमें जो एलिमेंट पाया जाता है कंपाउंड का, उसका नाम होता है लिग्निन। तो आंसर बच्चों इसका हो गया जाइलम, आंसर इज थर्ड, जाइलम।
बिल्कुल एक एक चीज क्लियर कर लें यहाँ पे, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी के आसपास फिर से आने वाले हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों। लिखा है नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द बैक्टीरियल कन्वर्जन। ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, क्लास में ही कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हर साल यह क्वेश्चन किसी न किसी अलग अलग फॉर्म में आते रहते हैं। तो थोड़ा सा इसको आप नाइट्रोजन साइकिल को विधिवत पढ़ के चलिएगा, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से दिया, हमने क्लास में बहुत अच्छे से बताया इन सब चीजों को। तो एक बार आप फिर बता देते हैं, नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरियल कन्वर्जन। आपको पता है मैंने बताया था, जब भी कभी अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में, फिर कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। बच्चों जान लो, जब कभी अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में पहले, फिर कन्वर्ट होता है फिर नाइट्रेट में। तो आपको पता है यहां भी बैक्टीरिया काम करता है और यहां भी बैक्टीरिया काम करता है, जान लो बहुत अच्छे तरीके से। यहां पूछा नाइट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ द बैक्टीरियल कन्वर्जन, तो आप यहां से देखें, ऑप्शन में देखें NO3 से NH3, बिल्कुल गलत है, ये तो कभी नहीं होगा। दूसरा दिया है N2 से अमोनिया, कभी नहीं होगा बच्चों। फिर यहां पे लिखा है NH3 टू N2, कभी नहीं होगा बच्चों। और अगला ऑप्शन दिया है NH3 अमोनिया से NO3, तो आप देखिए NH3 से कहां जा रहा है NO3, इसी को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। बहुत ही अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा ये सेगमेंट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% आएंगे बच्चों। तो आंसर इसका हो गया बच्चों फोर्थ, ठीक है। चौथा NH3 से NO3 की तरफ, अमोनिया से नाइट्रेट की तरफ। और आपको पता है ये अमोनिया टूट के ही जाता है नाइट्रेट में, और यही नाइट्रेट मेन प्लांट इसी फॉर्म में लेता है। जो मेन प्लांट होता है वो किस फॉर्म में लेता है नाइट्रोजन को बच्चों, नाइट्रेट के फॉर्म में। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यहां से तीन चार क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा है द सीड इन द एंजियोस्पर्म डेवलप फॉर्म ए द, लिखा है एंजियोस्पर्म में बीज किस एक विकसित होता है, ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन दिया है, मैंने क्लास में ही आपको बताया है दो चीज, बिल्कुल रट रट के बताया है चिल्ला चिल्ला के, कि जो फ्रूट होता है फ्रूट और जो सीड बनता है, ये दो चीजें हैं। जो फ्रूट होता है किससे बनता है बच्चों, ओवरी से, और जो सीड होता है वो किससे बनता है बच्चों, ओव्यूल से। ये तो मैंने बताया है, तो आप आंसर देखें जरा, लिखा है सीड बनाना है हमें सीड, तो आप देखें जरा सीड हमें किससे मिल रहा है, ओव्यूल से। तो पहला ऑप्शन हो गया बच्चों ओव्यूल, तो आंसर फर्स्ट ओव्यूल, ठीक है। कभी भी कार्पेल एम्ब्रियो सैक या एंथर से नहीं बनेगा, तो आंसर हो गया फर्स्ट। अगली बार जो क्वेश्चन पूछेगा यहां सीड की जगह फ्रूट दे देगा, बोलेगा कि यह फ्रूट किससे बनेगा, और यहां ऑप्शन ओव्यूल भी दे देगा और ओवरी भी दे देगा, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों ओवरी। ये फ्रूट किससे बनेगा, ओवरी से, एंजियोस्पर्म में, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों लिखा है, इसका कभी कभी शॉर्ट नाम पूछ लिया जाता है, बीएसआई का पूरा नाम क्या होता है। लिखा है द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन, या बोलेगा बीएसआई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां पाया जाता है, कहां पे स्थित है। तो पहला ऑप्शन लखनऊ दिया है, दूसरा कटक, तीसरा हावड़ा, चौथा भुवनेश्वर, तो आंसर इसका बच्चों क्या हो जाएगा, हावड़ा। ये कहां प्रेजेंट है, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में प्रेजेंट है। तो बीएसआई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रेजेंट इन कोलकाता हावड़ा। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां प्रेजेंट है, आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा हमें, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां प्रेजेंट है इंडिया में, क्योंकि यहां पे बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो अगली बार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछा जा सकता है। ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ लें और हमें जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर भी दें, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहां प्रेजेंट है, कहां लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूबुल इन द यूकैरियोटिक सेल इज टू, यूकैरियोटिक सेल में माइक्रोट्यूबुल्स का काम क्या होता है, आप यहां पे जान लें। लिखा है फॉर्म माइटोटिक स्पिंडल, दूसरा लिखा है सेलुलर वेस्ट, तीसरा लिखा है राइबोसोम, चौथा लिखा है रेस्पिरेशन। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट माइटोटिक स्पिंडल। आपको पता है ये माइटोटिक स्पिंडल क्रोमोसोम, जब हम लोग सेल डिविजन पढ़ते हैं तो वहां पे इसका फॉर्मेशन होता है, तो आंसर इस फर्स्ट हो गया बच्चों, माइटोटिक स्पिंडल बनाने में माइक्रोट्यूबुल का पार्टिसिपेशन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है द प्रोटोनिमा स्टेज ऑफ द मॉस प्लांट इज, लिखा है मॉस पौधे की एक अल्प वयस्क अवस्था क्या है, ठीक है,
अल्पवयस्क अवस्था क्या है? तो लिखा है आपको पता है कि जो प्रोटोनीमा होता है ये कहाँ पाया था बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोनीमा कहाँ पाया था, किस प्लांट ग्रुप में, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों ब्रायोफाइटा। ठीक है, लिखा है प्रोटोनीमा स्टेज मॉस प्लांट। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया कि हैप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है, ट्रिप्लॉयड होता है या पॉलीप्लॉयड। तो आंसर इसका बच्चों याद कर लीजिए सीधे सीधे क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड। हमेशा प्रोटोनीमा प्लांट ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइटा कैसा होगा बच्चों, हैप्लॉयड। कैसा होगा बच्चों, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड का मतलब क्या हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अगुणित। अगुणित का मतलब जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो एन के फॉर्म में हमेशा रहेंगे, कभी 2N, 3N, 4N, 5N या रेस्ट ऑफ ऑल नहीं होगा। ओनली ओनली किस फॉर्म में होगा, एन के फॉर्म में, अगुणित के फॉर्म में, या बोलेंगे हैप्लॉयड के फॉर्म में। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, मैंने इसको भी बहुत अच्छे से क्लास में बताया, बिल्कुल डिस्कस करके, बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताया है। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल आयन होल्ड टुगेदर द टू सब यूनिट ऑफ 70S राइबोसोम। आपको पता है कि जो 70S राइबोसोम होता है यह प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों पाया जाता है, लेकिन अगर हम इसको तोड़ते हैं तो किसमें तोड़ते हैं, 50S प्लस 30S में, दो पार्ट में टूटता है, 50S और 30S। जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, किसकी, उसी के बारे में पूछ रहा है, किस आयन की कंसंट्रेशन की वजह से ये बिल्कुल पास होते हैं। तो आंसर इसका सीधे से याद कर लें बच्चों, मैग्नीशियम Mg। जब दोनों की कंसंट्रेशन कम, ये दोनों टूट जाते हैं, जब कंसंट्रेशन ज्यादा, किसकी, मैग्नीशियम आयन की, तो दोनों पास आ जाते हैं। तो आंसर इसका हो गया बच्चों थर्ड, मैग्नीशियम की वजह से ऐसा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत आसान है। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटीन नॉन प्रोटीन इज एंजाइम। लिखा है निम्न में से कौन सा एक बिना प्रोटीन का एंजाइम है। ठीक है, यहां पे लिखे आंसर याद कर लें, राइबोजाइम। राइबोजाइम एक न्यूक्लिक एसिड की तरह काम करता है, इसका नाम भले लिखा है एंजाइम की जैसा, लेकिन कभी एंजाइम नहीं होता है, एक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड की तरह काम करता है, उसे बोलेंगे राइबोजाइम। तो आंसर इस सेकेंड हो गया बच्चों। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, लिखा है अगला क्वेश्चन, लिखा है बच्चों, लिखा ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। यहां पर लिखा निम्न पौधे के किस एक भाग से अफीम प्राप्त होती है। तो आप ये भी जान लें, एनसीईआरटी बहुत अच्छे से दिया है, एनसीईआरटी का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला जो चैप्टर है आप उसको अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि उस चैप्टर से केवल केवल 5 क्वेश्चन आएंगे उसी अकेले चैप्टर से, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लिखा है ओपियम कहां से प्राप्त किया जाता है, पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। तो इसका आप सीधे सीधे याद कर लेंगे आंसर, अनराइप कैप्सूल। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा अच्छे से डिटेल्स में दिया है, आंसर इसका याद कर लेंगे, अनराइप कैप्सूल। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ CO2। लिखा है निम्न से कौन सा एक एंजाइम हरे पौधे में CO2 के स्थिरीकरण में सहायक होता है। अगर आपको याद हो जब मैंने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाई, जिसमें बताया था कि दो टाइप की सेल होती हैं, एक मेजोफिल सेल होती है और एक बंडल सीज सेल होती है। ठीक है, मेजोफिल सेल ऊपर होती थी, बंडल सीज सेल नीचे होती थी। जो मेजोफिल सेल होता था उसमें पेप्टेज एंजाइम पाया जाता था, और जो बंडल सीज सेल था उसमें रुबिस्टो एंजाइम पाया था, और इस दोनों का काम क्या होता था, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। तो आप ऑप्शन के हिसाब से देख लें, आंसर आपको पता चल गया होगा क्या होगा। लिखा यूरिएज कभी नहीं होगा, लाइपेज कभी नहीं होगा, लाइगेज कभी नहीं होगा, और आंसर क्या हो गया बच्चों, रुबिस्को। आपसे रुबिस्को का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि रुबिस्को का पूरा नाम क्या होता है, रिबुलोज 1.5 बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। इसको आप 2-3 बार रख लीजिएगा रुबिस्को का पूरा नाम, और एक किस सेल में पाया जाता है, बंडल सी सेल में या मेजोफिल। तो आपको पता है कि यह बंडल सी सेल में पाया जाता है, जबकि पेप्टेज एंजाइम मेजोफिल सेल में पाया जाता है। ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों, क्लियर कर लीजिएगा, एनसीईआरटी फिगर बना है उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ फॉर एसिड रेन। लिखा है निम्न में से कौन एक अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारक है। इसको ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आ चुका है BHU का, अगर आप जितने ही मैंने डिस्कशन किए हैं 19, 18, 17, 15 आप देखेंगे उसमें किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन आया हुआ है, और 2020 में भी 100% आने की संभावना है। तो देखें यहां पे लिखा है मेन काज ऑफ एसिड रेन, तो आप पहले सीधे सीधे जान लें कि जो एसिड रेन है ये दो गैस की वजह से होता है, एक SO2
और एक NO2। और आपको पता अगर कभी NO2 ना दे यहाँ पे, दे दे नाइट्रिक एसिड HNO3, या तो SO2 को लिख दे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो ऑप्शन इसके हिसाब से बन सकता है और इसके हिसाब से भी बन सकता है बच्चों। तो आप आंसर देखें जरा, ओजोन होगा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो आंसर बच्चों क्या हो गया, हाई लेवल ऑफ SO2 इन द एटमॉस्फेयर, तो आंसर बच्चों क्या हो गया, 4। अब यहाँ पे SO2 ना दे करके वो H2SO4 दे देगा, ये भी ध्यान ले, H2SO4 दे सकता है या SO2 ना दे करके NO2 दे देगा या HNO3 दे देगा। इसमें से आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा बिल्कुल क्वेश्चन को करने के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, यहां पे लिखा है इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है स्ट्रेप्टोमाइसिस पेनिसिलियम, दूसरा ऑप्शन दिया है जलेडियम सेप्रोफिटिक, तीसरा ऑप्शन दिया है एगेरिकस मशरूम, और चौथा ऑप्शन दिया है एजोटोबैक्टर फोटोसिंथेटिक। हिंदी में देखें स्ट्रेप्टोमाइसिस पेनिसिलियम जलेडियम सेप्रोफिटिक एगेरिकस मशरूम एजोटोबैक्टर प्रकाश संश्लेषण। तो आप आंसर अगर आप देखें तो बिल्कुल इसका आंसर केवल एक ही सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिस पेनिसिलियम कभी नहीं होगा, जलेडियम से जलेडियम से निकालते भैया हम अगार अगार, ये भी नहीं होगा, एगेरिकस बिल्कुल सही, एगेरिकस किसको बोलते हैं बच्चा, मशरूम को, जो हम लोग मार्केट में खाते हैं, हाईली प्रोटीनिशियस होता है मशरूम। ठीक है, तो आंसर बच्चों इसका हो गया 3। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आप तैयार रहिए मैचिंग के लिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों द हैप्लॉइड प्लांट आर ऑब्टेंड फ्रॉम, जो हैप्लॉइड प्लांट होता है वो बच्चों किससे निकाला जाता है। लिखा है कि अगर हमें हैप्लॉइड प्लांट तैयार करना तो किससे, आप देखें सीड जनरेशन कभी नहीं होगा हैप्लॉइड, लीफ सेल कभी नहीं होगा, जायगोट तो ऑलरेडी 2N होता है, और आंसर क्या हो जाएगा बच्चों पॉलन, पॉलन कैसा होता है N, ये कैसा होता है 2N, ये कैसा होता है 2N, ये वाला कैसा होगा 2N। तो आप आंसर देख ले, हैप्लॉइड के बारे में पूछ रहा है, तो हैप्लॉइड क्या होता है बच्चों पॉलन होता है हैप्लॉइड, और उसका आंसर हो जाएगा पॉलन। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है लिखा है एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स इज द किलर ऑफ, ये भी जान ले बच्चों कि जो एरिथ्रोमाइसिन होता है एंटीबायोटिक होता है इज द किलर ऑफ। लिखा है एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक किसके लिए नाशक है, तो आंसर आप जान लें ये एक फंजाई के लिए होता है, फंजाई के लिए, तो आंसर पहला ही आप देख लें फंजाई। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया इसका, इसको याद कर लें बिल्कुल एज इट इज, सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही आसान है। लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडोर सिंबायंट इज एसोसिएटेड विद द कोरोलाइड रूट ऑफ द साइकस, आपको पता है कि जो कोरोलाइड रूट होती है ये हायर जिम्नोस्पर्म में होती है, और साइकस तो आपको पता ही है किसका पार्ट है, जिम्नोस्पर्म का, तो इसमें से किसके रूट में ये सिंबायोटिक एसोसिएट करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है राइजोबियम, दूसरा दिया है एनाबिना, तीसरा दिया है फ्रेंकिया, चौथा दिया है एजोस्पाइलम। तो मैंने आपको बताया केवल एक ही दो ही स्पीसीज होते हैं, एक या तो नॉस्टाक होता है या तो एनाबिना, तो आंसर हो गया बच्चों एनाबिना, या इसकी जगह आप ये भी आ सकता है नॉस्टाक। ठीक है, या तो नॉस्टाक होगा या तो एनाबिना, तो इसका आंसर बच्चों हो गया 2nd। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, लिखा है एरिल इज द एडिबल पार्ट ऑफ विच फ्रूट, लिखा है किस फल का एरिल भाग खाया जाता है। बच्चों एक बार थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए, जो फ्रूट है कौन सा पार्ट किसी भी सीड का खाया जाता है, किसी फल का कौन सा पार्ट खाया जाता है, उसको आप थोड़ा सा अच्छे से तैयार करिएगा, किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है। जैसे कभी कभी नाम पूछा जाता है कि जो सिट्रस होता है उसमें क्या खाया जाता है, स्पिरिडियम, जैसे जो मैंगो होता है उसका क्या खाया, पूरा थैलमस खा लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया कि जो एरिल होता है इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है, और इसका आंसर हो गया एरिल। ठीक है, जैसे मैंगो का पूरा पूरा हम लोग पूरा पार्ट खा लेते हैं थैलमस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पे एप्पल लिखा है इसका फ्लैसी मेजोकार्प, ठीक है, फ्लैसी मेजोकार्प जो गूदेदार वाला पार्ट होता है उसको हम खाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों आ सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग फ्रूट पढ़ के चलिएगा, बिल्कुल एक ही चीज का मध्य भाग या पश्च भाग या अग्र भाग जो भी होता है उसको आप पढ़ के चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आने वाला है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, लिखा है
कि प्लास्टोसाइनिन इज द मेटालो प्रोटीन दैट कंटेन्स, जो प्लास्टोसाइनिन होता है इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो आपको पता है साइनिन अगर वर्ड लगा है तो जाहिर सी बात है ये कॉपर कंटेनिंग हो जाता है, ठीक है। तो आप देखें एमओ जेड एन एफ ई कॉपर, तो आंसर बच्चों क्या हो गया, कॉपर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन यहां पर लिखा है एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म, ये भी मैंने क्लास में आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि जो एंडोस्पर्म होता है एंजियोस्पर्म का वो कैसा होता है बच्चों, थ्री एन, तो ट्रिप्लॉयड हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, थ्री एन। लेकिन अगर यही क्वेश्चन यहां पे एंजियोस्पर्म ना देख के जिम्नोस्पर्म बोल दे कि जिम्नोस्पर्म में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। जिम्नोस्पर्म में क्या हो जाएगा बच्चों, एन होता है हैप्लॉयड, एन को बोले क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा अच्छे समझ लीजिए, अगर जिम्नोस्पर्म पूछेगा तो हैप्लॉयड लगा देंगे और एंजियोस्पर्म पूछेगा तो ट्रिप्लॉयड यानी कि थ्री एन लगा देंगे, ठीक है। दो क्वेश्चन यहां से हो गए आपके। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही चर्चित क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखा है कि द क्रेडिट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, इंडिया में जो ग्रीन रिवोल्यूशन को बताने वाले थे वो कौन थे बच्चों, एम एस स्वामीनाथन, कौन थे, एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अभी तक हमने बॉटनी के 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब उसी सेगमेंट में चलते हैं जूलॉजी के सारे क्वेश्चन की तरफ। यहां पे लिखा है पहला क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लिखा है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे। लिखा है फाइव किंगडम अप्रोच फॉर क्लासिफिकेशन वाज सजेस्टेड बाय, तो पूरी दुनिया जानती इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आर एच विटेकर। तो फाइव किंगडम को देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, आर एच विटेकर। यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि कैरोलस लिनियस ने क्या बताया था, सबसे पहले टैक्सोनॉमी नाम दिया था, ठीक है, और इन्होंने एक नाम और बताया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये भी इन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये अगर इससे क्वेश्चन आए तो ये दो ऑप्शन हो जाएंगे और इसका आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, लिखा है जूलॉजिकल नेम ऑफ डोमेस्टिक डॉग। अब यहां पर डॉग का जूलॉजिकल नाम पूछ लिया है तो आप जान लें इसका नाम है कैनिस फैमिलियरिस, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है इसको, आप लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे तो हाँ दिया है, तो कैनिस फैमिलियरिस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लीवर फ्लू, ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा आप लोग। लिखा है लीवर फ्लू बिलोंग टू विच फाइलम, अब आप लोग बिल्कुल जानते हैं लीवर फ्लू को क्या बोलते हैं बच्चों, फैसियोला हिपैटिका, क्या बोलते हैं, फैसियोला हिपैटिका। और फैसियोला हिपैटिका जो होता है वो कौन से फाइलम पाया जाता है, प्लेटी हेलमेंट्रीज या एसके हेलमेंट्रीज, तो आंसर हो जाएगा बच्चों प्लेटी हेलमेंट्रीज। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे आप लोग एसके हेलमेंट्रीज, दूसरा प्लेटी हेलमेंट्रीज, तो आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, प्लेटी हेलमेंट्रीज। और इसी लीवर फ्लू को हम लोग क्या बोलते हैं, फैसियोला फैसियोला हिपैटिका हिपैटिका, ये भी जान ले लीवर फ्लू को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फैसियोला हिपैटिका बोलते हैं, प्लेटी हेलमेंट्रीज का मेंबर होता है ये। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों। लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा, अब यहां पे पूछा कौन सा करेक्टर नहीं है कॉर्डेटा का, ठीक है, कॉर्डेटा मेंबर का कौन सा करेक्टर नहीं है, तो आप आंसर देखें और हमें आंसर जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा बच्चों, फटाफट जरा इसका आंसर हमें सब लोग बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया है नोटोकॉर्ड, दूसरा दिया है डॉर्सल हालो नर्व कॉर्ड, तीसरा दिया है वेंट्रल नर्व कॉर्ड और चौथा दिया है पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स स्लिट, इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो आंसर सभी लोग हमें लगता है लगा लिए होंगे, आंसर क्या होगा बच्चों इसका, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्योंकि हमारी बॉडी में कभी भी नर्व कॉर्ड सामने नहीं होता, वो कहां होता है बच्चों, पीछे की तरफ हमारी जो डॉर्सल साइड में होता है, जो रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रल कॉलम है तो वहां पे होता है, और यहां पे लिखा है वेंट्रल, तो वेंट्रल कभी नहीं होगा, तो हिसाब से आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड, कौन सा नहीं है तो थर्ड हो जाएगा आंसर, बाकी सारे होते हैं, बाकी सारे सही हैं। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, यहां पे लिखा है ये भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन लिया, ये
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। देखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल्स, निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है। ठीक है, केवल एक ही ऐसा स्तनधारी होता है जो अंडे देता है, बाकी आपको पता है कि जितने भी मैमल्स होते हैं वो केवल केवल क्या देते हैं, बच्चे देने वाले होते हैं। ठीक है, केवल केवल बच्चे देने वाले होते हैं, कभी अंडे नहीं देते, केवल एक ऐसा होता है जो अंडे देता है। तो ऑप्शन देखें आप, पहला लिखा है फ्लाइंग फॉक्स, या उसे बोलेंगे फ्लाइंग फॉक्स, कंगारू कंगारू, ब्लू व्हेल या नीली व्हेल, और चौथा दिया है प्लेटीपस या प्लेटीपस। तो आंसर आपको पता चल गया होगा कि आंसर क्या होगा बच्चों इसका, प्लेटीपस, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसका पूरा नाम होता है डग बिल्ड प्लेटीपस, या इसी को बोलते हैं ऑर्निथो ऑर्निथो रिंकस। एनसीईआरटी में दिया है ऑर्निथो रिंकस। केवल एक ही ऐसा मैमल्स होता है जो पॉइजनस होता है, ये कैसा होता है बच्चों, पॉइजनस भी होता है, जहरीला भी होता है। यहां से दो क्वेश्चन बन जाएंगे, कौन सा ऐसा जहरीला मैमल्स होता है, तो प्लेटिपस या ऑर्निथोरिंकस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द इपिथेलियल सेल फाउंड इन द आवर लंग्स आर क्लासिफाइड, हमारी बॉडी के अंदर जो इपिथेलियल सेल होती है वो कैसी होती है। तो आंसर उसका हो जाएगा बच्चों स्क्वैमस इपिथेलियम, कैसा हो जाएगा बच्चों स्क्वैमस इपिथेलियम। ये भी एनसीईआरटी में दिया, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, लिखा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म आर कॉल्ड, लिखा है केचुए के उत्सर्जी अंगों को कहते हैं, पहला ऑप्शन है मेटानेफ्रीडिया, दूसरा है सोलेनोसाइट्स, तीसरा है मेल्पिगियन ट्यूबुल, और चौथा दिया है ग्रीन ग्लैंड। आंसर आपको पता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से बताया हूं, आंसर इसका हो जाएगा मेटानेफ्रीडिया। अगर क्वेश्चन और बन जाए इन तीनों ऑप्शन से, तो सोलेनोसाइट को दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, बल्ब सेल, ग्रीन ग्लैंड किसमें होता है, क्रस्टेशिया में, और क्रस्टेशिया की एग्जांपल क्या होता है बच्चों, प्रान, क्या होता है प्रान, और बल्ब सेल किसमें का सोलेनोसाइट, ये होता है प्लेटी हेलमेंटीज, प्लेटी हेलमेंटीज। ठीक है, इसके बाद मेल्पिगियन ट्यूबुल किसमें हो जाएगा बच्चों, इंसेक्ट में, किसमें हो जाएगा इंसेक्ट में, जितने भी इससे इंसेक्ट होंगे उसमें मेल्पिगियन ट्यूबुल हो जाएगा, और क्रस्टेशिया हो जाएगा प्रान में, सोलेनोसाइट या बल्ब सेल हो जाएगा प्लेटी हेलमेंटीज में। तो यहां से आपके सारे आंसर क्लियर हो गए, तो आंसर इसके हिसाब से अर्थवर्म में हो जाएगा नेफ्रेडिया या मेटानेफ्रेडिया। बाकी सारे और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं, और सारे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों, बिल्कुल क्लियरली आप नोट करते चलिए, यही सब क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट होकर के आएंगे, ऐसा ही होगा क्वेश्चन, और इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट यहां पे लिखा है टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोल इज फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनाल। देखो बच्चों मैं आपको बताया हूं कि थोड़ा सा आप एनिमल किंगडम बहुत अच्छे से तैयार करके चले, क्योंकि देखो वहां से लगातार लगभग 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप सारे लोग बिल्कुल क्लियरली एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, ये तीनों बिल्कुल तैयार करके चलिए, क्योंकि यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं बीएचयू में। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछें, या अगर कोई समस्या तो 92-35-1264 आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे, जो चीज समझ में नहीं आ रही उसको आप पूछिए, आप उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचाया जाएगा, 100% डन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, लिखा है टिफ्लोसोल इज फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, ये भी मैं बता चुका हूं आंसर इसका बच्चों क्या हो जाएगा, अर्थवर्म। थोड़ा सा इसका फंक्शन जान ले टिफ्लोसोल का, ये क्या करता है सरफेस एरिया को बढ़ाता है, किसको बढ़ाता है बच्चों, सरफेस एरिया। तो भैया टिफ्लोसोल सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में, और किसने पाया जाता है, केचुए में, अर्थवर्म में, ये मैं बता चुका हूं अर्थवर्म। आप एक बार थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है, पूरी तरह से। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल प्रोटीन शो एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसमें से कौन सा पेशी प्रोटीन जो किण्वक संक्रिया को प्रदर्शित करती है। तो आंसर बच्चों याद कर लें ट्रोपोनिन, सीधे सीधे ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन का क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, लिखा है देखा विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सेल ऑर्गेनेल्स कंटेन जेनेटिक मशीनरी, यहां पर लिखा है इसमें कौन सा ऐसा सेल होता है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए या आरएनए। तो आप अगर यहां पे ध्यान से देखें, लाइसोसोम नहीं होगा,
राइबोसोम नहीं होगा, गॉल्जी बॉडी नहीं होगा, केवल एक ही ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर डीएनए आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है। तो आपको पता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है बच्चों, डीएनए और आरएनए ही होता है। तो आंसर इसके बच्चों क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा, जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है, बिल्कुल आप लोग समझ के चलिए, पढ़ के चलिए, ठीक है। एक एक चीजें आपको क्लास में बताई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा है रिमूवल ऑफ द टर्मिनल फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम एटीपी प्रोवाइड एनर्जी बाय क्लेविंग। लिखा है एटीपी के छोर पर फॉस्फेट समूह के स्थानांतरण से ऊर्जा विखंडन द्वारा प्राप्त होती है। तो आपको पता है बच्चों एटीपी में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो आप यहां से याद कर सकते हैं, सेकेंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है, लिखा है द टिश्यू दैट मेंटेन द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यूरिंग फास्टिंग। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया कि जब लोग फास्ट रहते हैं, व्रत रहते हैं, तो उस दौरान हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा टिश्यू होता है जो हमें एनर्जी या ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का काम करवाता है। तो ऑप्शन अगर देखें, स्केलेटल मसल, लीवर, हार्ट या पैंक्रियाज। तो आपको पता है हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने वाला कौन होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। तो आप यहां पर देख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, पैंक्रियाज, क्योंकि इसी पैंक्रियाज से हमेशा क्या निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ये निकलता है बीटा सेल से और ये निकलता है अल्फा सेल से। तो ये आंसर याद कर लें कि जब भी कोई फास्ट रहता है, व्रत रहता है, तो उसकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का कौन सा ऑर्गन काम करता है बच्चों, पैंक्रियाज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन आया है नर्वस सिस्टम से, देखा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन लोब इज एसोसिएटेड विद एग्जीक्यूटिव फंक्शन। देखा मस्तिष्क का कौन सा पिंडक प्रबंध कारणी कार्य से संबंधित है, ठीक है। तो आंसर आप देखें यहां पे ऑप्शन के हिसाब से, पहला लिखा है ऑक्सीपिटल लोब, दूसरा लिखा है पैराइटल लोब, तीसरा लिखा है टेम्पोरल लोब और चौथा लिखा है फ्रंटल लोब। तो हमारी सोचने और समझने की शक्ति पे जो जो ऑर्गन काम करता है वो होता है फ्रंटल लोब, सामने वाला, जो हमारा सामने वाला मस्तिष्क होता है वही काम करता है। तो फ्रंटल लोब इसका आंसर हो गया फोर्थ। अगले ऑप्शन की तरफ चलते, अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बच्चों मैं बता चुका हूं क्लास में ही, मैंने बताया कि सोडियम आयन क्या करता है, सोडियम आयन हमेशा बाहर रहता है, पोटेशियम आयन हमेशा अंदर रहता है। जब भी कोई चीज पिन की जाती है तो तुरंत सोडियम आयन अंदर आता है और पोटेशियम आयन बाहर चला जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर लिखा है एंटीपोर्ट आयन चैनल, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन सही हो गया। एंटीपोर्ट का मतलब क्या हो गया, सोडियम अंदर आ रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, तो एंटीपोर्ट हो गया। यहां पर लिखा है सिंपोर्ट आयन चैनल, तो कभी नहीं होगा बच्चों, कभी ऐसा नहीं होता है कि सोडियम और पोटेशियम दोनों साथ साथ रहे अंदर, कभी नहीं होगा। लीक चैनल, कभी नहीं होगा। लिखा है लिजेंड गेटेड आयन चैनल, तो बिल्कुल नहीं। तो आंसर हो गया इसका बच्चा फर्स्ट हो गया। यहां से आप अच्छे से पढ़ के चलिए, यहां से भी क्वेश्चन बार बार आते हैं, आते रहेंगे। अगले आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता है जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम स्पर्म देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, ऐसे ही होता है, कुछ याद अगर आ रहा हो आपको तो ऐसे होता है, ठीक है। ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है, मैंने बताया था ये क्या होता है बच्चों, हेड होता है, और इसी हेड में क्या प्रेजेंट होता था, एक्रोसोम। क्या होता था, एक्रोसोम, हेड रीजन में एक्रोसोम होता है, और यही क्या निकालता था, एंजाइम। क्या निकालता था, एंजाइम। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा है स्पर्मेटोजोआ के किस भाग से निषेचन के लिए आवश्यक किण्वन मुक्त होता है, मतलब लिखा है विच पार्ट ऑफ द स्पर्मेटोजोआ रिलीज एंजाइम नीडेड फॉर फर्टिलाइजेशन। तो आप आंसर देख सकते हैं यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक्रोसोम। क्या हो जाएगा, एक्रोसोम। कौन सा एंजाइम निकालता है ये भी जान लें आप, एंजाइम का नाम भी पूछा जा सकता है, हाइलोरोनिडेज एंजाइम, ये बात जान लें, ठीक है। तो आंसर हो गया एक्रोसोम। अगले आप क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों, लिखा है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन सुक्रोज आर लिंक्ड बाय। सुक्रोज जब कभी टूटता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देता है, दो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज के, ठीक है। तो पूछा कि ये दोनों किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो आंसर इसका याद कर लें, बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसका आंसर हो गया बच्चों फर्स्ट हो गया। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं,
अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्लास में ही बता रखा कि इसका इसको कैसे करना है। ये क्वेश्चन देखने में बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन बस एक बिल्कुल विद इन सेकंड आंसर इसका आप दे सकते हैं। यहां पे लिखा है कि एमआरएनए विद ए सीक्वेंस 5-2-3-5-2-3-5 क्या दिया है, उआ जीएसी एजीजी सीजीए यूजीसी सीयूए इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन 2 into cDNA। आपको बताया कि जब कभी एड्स होता है किसी को, एड्स, तो उसमें क्या होता है, आरएनए से क्या बनता है, डीएनए, और वो भी कौन सा डीएनए, cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। तो आप देख लें विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, cDNA। तो आप याद करिए ये तो एमआरएनए के लिए बनाया गया है, एमआरएनए के लिए, लेकिन हमें क्या बनाना है, डीएनए के लिए। तो आप देख लें, जिन बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती वो समझ लें आज यहीं पे बिल्कुल क्लियर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगले एग्जाम में 100% आने ही वाले हैं। यहाँ पे देखें, ये तो आरएनए है, आपको पता है कि आरएनए में एडेनिन एडेनिन की जगह थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। तो आप देख लें यहाँ पे यूरेसिल लिखा है, लेकिन हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है 3-5। तो आप देखें अब हमें डीएनए का स्टैंड बनाना है, डीएनए का, तो बता दे यू का क्या हो जाएगा बच्चों, यूरेसिल है, इसके क्या हो जाएगा, थाइमिन, क्योंकि हमें क्या बनाना है, डीएनए, यूरेसिल का क्या आ जाएगा, थाइमिन। ए का क्या हो जाएगा बच्चों, ए का आप देखें यू की जगह टी हो गया, तो आंसर क्या हो गया, सॉरी एडेनिन यू की जगह क्या हो जाएगा, ए, ए की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, टी, और ए की जगह क्या हो जाएगा, टी, सी की जी की जगह क्या हो जाएगा, सी, ए की जगह क्या हो जाएगा, टी, सी की जगह क्या हो जाएगा, जी, ए की जगह क्या हो जाएगा, टी, सी की जगह क्या हो जाएगा, जी, जी की जगह यहां पे सी हो जाएगा, जी की जगह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी की जगह जी, जी की जगह सी, ए की जगह टी, जी यू की जगह ए, जी की जगह सी, सी की जगह जी, सी की जगह जी, यू की जगह ए, ए की जगह टी। तो वहां से अगर आप देखें इस हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन लग बड़ा जरूर है कि बहुत आसान है, इस हिसाब से अगर मैच करें आप ए टी टी सी टी जी टी सी सी जी सी टी ए सी जी, यहां पे देखेंगे ए सी जी सी जी ए टी, तो आंसर हो गया बच्चों क्या, फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपको बड़ा जरूर लग रहा है लेकिन आसान बहुत है, थोड़ा सा आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ करना पड़ेगा क्लास में, एग्जाम हॉल में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बिल्कुल आदमी घबरा जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान है। कैसे, मैंने बताया कि जब भी एमआरएनए का स्टैंड दिया हो तो आप तुरंत उसका क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएंगे, फटाका तुरंत उल्टा करेंगे, 5-3 दिया तो आप लोग क्या बनाएंगे, 3-5, और जैसे 3-5 आप बनाएंगे तो कोई ना कोई आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि 2020 में बिल्कुल मामला क्वेश्चन इस टाइप से आने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा है इवोल्यूशन से है, लिखा द थ्योरी दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाज प्रपोज्ड बाय, यहां पे लिखा है जीवन के प्रथम स्वरूप की उत्पत्ति पूर्ववर्ती निजी निर्जीव अकार्बनिक अणुओं से हुई, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। तो इसका आंसर अगर आप देखें तो एबीएनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, तो आंसर इसका बच्चों याद कर लें आप लोग, नॉर क्योंकि अभी तक किसी ने बता ही नहीं पाया था कि हमेशा लिविंग लाइफ आई कैसे, तो इसका आंसर केमिकल इवोल्यूशन के बारे में बताया था ऑर्गेनिज्म स्टैनले मिलर ने, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों थर्ड हो जाएगा। अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, लिखा है ये भी क्वेश्चन इवोल्यूशन से है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट, देखो बच्चों यहाँ पे नॉट लिखा है एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, पहले तो आप यही जान लें जब भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन लिखा जाए इसका मतलब आप लोग तुरंत जान जाइएगा ये क्या पूछ रहा है, एनालॉगस, क्या पूछ रहा है बच्चों, एनालॉगस, दो नाम याद करिए, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को हम लोग एनालॉगस बोलेंगे और होमोलॉगस को बोलेंगे, होमोलॉगस को बोलेंगे डाइवर्जेंट, क्या बोलेंगे बच्चों, डाइवर्जेंट, ये दो नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, डाइवर्जेंट अगर होमोलॉगस बोले तो डाइवर्जेंट और एनालॉगस बोले तो कन्वर्जेंट, बट यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है, मतलब कौन सा इसमें एनालॉगस नहीं है, मतलब नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देखे जरा यहां पर लिखा है आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, ये तो होता ही है,
ये तो कन्वर्जन का एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया है। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, ये भी बच्चों होता है। लिम्स ऑफ मैन एंड फिन्स ऑफ व्हेल, ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, क्योंकि दोनों की क्या होती है, ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, कभी हो ही नहीं सकता। इसकी ओरिजिन सेम हो सकती है, फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंट। ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट, तो आंसर बच्चों हो गया थर्ड। एनसीईआरटी में दिया, आप लोग इसको थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, इवोल्यूशन चैप्टर में दिया है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूं, इको आर आई ए रिस्ट्रिक्शन एंजाइम फंक्शन एज इंडोन्यूक्लिएज, किसकी तरह काम करता है, इंडोन्यूक्लिएज, और उसका नाम क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लिएज, तो ये नाम होता है बच्चों, ठीक है। आंसर इसका हो गया फर्स्ट। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, नेक्स्ट लिखा है, ये भी बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, लिखा है मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय इंफेक्शन ऑफ, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, आंसर बच्चों इसका हो गया थर्ड, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। अब ये भी पूछ सकता है, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम किसकी वजह से होता है, तो फीमेल एनाफिलीज, ये भी आप कर ले, फीमेल एनाफिलीज की वजह से ये होता है। तो फीमेल एनाफिलीज एक मच्छर होती है जो खून चूसने का काम करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है एसआई, एसआई का फुल फॉर्म पूछा है, एसआई आरएनए किसको बोलते हैं, तो आंसर इसका हो जाएगा स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एसआई को बोल देंगे स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखा है द सिक्रेशन ऑफ सीबेसिस ग्लैंड, लिखा है वसामय ग्रंथि का श्रावण होता है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन दिया है स्वेट, दूसरा लिखा है टीयर्स, तीसरा लिखा है ईयर वैक्स, और चौथा लिखा है सीबम। तो आपको पता है सीबेसिस ग्लैंड क्या निकालेगी हमेशा बच्चों, सीबम निकालेगी, क्या निकालेगी, सीबम। अगर यहां पर दे दे स्वेट कौन निकालेगा, पसीना, तो आंसर हो जाएगा स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथि, तो इसके हिसाब से आंसर ये हो जाएगा, पूछेगा पसीने वाली ग्रंथि कौन है, सीबेसियस ग्लैंड, सीबम निकालने वाली ग्लैंड कौन सी है, सीबेसियस ग्लैंड। और दोनों ग्लैंड कहां पाई जाती है, स्किन में, चमड़े पे, बिल्कुल ये चमड़े पे ही पाई जाती है, स्किन में ही पाई जाती है दोनों ग्लैंड। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं बच्चों, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ द इंसुलिन, अगर आप इसको पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एनसीईआरटी में, बहुत ही अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने वाले 100%। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ इंसुलिन, आपको पता है कि जो भी इंसुलिन हार्मोन होता है उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, क्योंकि वो प्रोटीन्स का बना होता है, उस प्रोटीन उस हार्मोन्स में दो टाइप होते हैं, ए होता है और बी पेप्टाइड, लेकिन बाद में सी पेप्टाइड भी आता है, लेकिन सी पेप्टाइड को हम लोग क्या करते हैं, बाद में निकाल लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, तो आंसर बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा, सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड को हम लोग क्या कर देते हैं, निकाल लेते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर लेते हैं। एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी से आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इकोलॉजी से आया हुआ है, इकोलॉजी से दिया है, आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लीजिएगा। लिखा है दो जातियों के बीच की क्रियाकलाप जिसमें एक जाति तो लाभान्वित होती है और दूसरी ना तो लाभ में रहती है और ना ही नुकसान में रहती है, यहां पर लिखा है द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड, मतलब एक को फायदा हो और एक को ना तो फायदा हो ना तो नुकसान, तो आप देखें चारों ऑप्शन म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, कॉमन सिलिज्म और एमेलसिलिज्म, बहुत ही यहां से चार क्वेश्चन बनेंगे 100% आना ही क्वेश्चन, तो आंसर इसका हो जाएगा बच्चों एमेलसिलिज्म, और इसका जो सिंबल होता है प्लस और जीरो का, एक को तो फायदा होगा लेकिन दूसरे को ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान, ठीक है। और भी जो क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं देखो जरा, एमेलसिलिज्म में क्या होगा बच्चों, एक को नुकसान होगा दूसरे को ना तो फायदा होगा ना तो नुकसान, जान लो बच्चों यहां पर मैं लिखा है कॉमन सिलिज्म में एक को फायदा हो रहा है और दूसरों को ना तो फायदा ना तो नुकसान, जबकि एमएस सिलिज्म में क्या हो रहा है,
एक को तो नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या हो रहा है, ना तो फायदा ना तो नुकसान। तो इसका सिंबल पूछ लेगा निगेटिव और जीरो का। लेकिन अगर बोले पैरासिडियम, तो पैरासाइट में क्या होता है, एक को तो क्या होगा फायदा, एक को क्या होगा फायदा और दूसरे को क्या होगा नुकसान। म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों को भैया फायदा होगा, तो प्लस प्लस का सिंबल आ जाएगा। ये एनसीईआरटी में दिया इकोलॉजी में, आप लोग इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। ठीक है, तो ये आज का सेगमेंट, ये बच्चों आज का सेगमेंट रहा बीएचयू बीएससी बायोलॉजी 2014 के सारे क्वेश्चन के डिस्कशन हो गए हैं। अगले सीरीज में हम लोग 2013 के क्वेश्चन लेकर के आएंगे बायोलॉजी के। और आप लोग लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, और आपको बिल्कुल ईयर वाइज ईयर सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व पेपर कराए जा रहे हैं, फिजिक्स के भी, मैथ के भी, जीएस के भी और एग्रीकल्चर सारे बिल्कुल आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारे यहाँ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल और एक नंबर है 9235-1264 पे आप कॉन्टेक्ट करके तुरंत ही जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, और इससे आपको आने वाले 2020 में बिल्कुल फुल जितने भी क्वेश्चन होंगे 100% बिल्कुल मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को लगातार देखिए, लाइक और सब्सक्राइब दोनों करिए। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।